तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी। तो बेटा अन अकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है और वापस आ गए हैं आपके लिए एक दमदार जानदार शानदार जबरदस्त सेशन लेकर के। और जिस चीज का आपको इंतजार था कि सर क्या सरप्राइज लेके आ रहे हो, ऐसी क्या बड़ी अनाउंसमेंट है जो आप लोग लेके आ रहे हो, तो बेटा वही बताने आपके सामने आ गए हैं। आपने देखा होगा पोस्टर में 5 मेंबर्स प्रेजेंट थे, विशाल सर थे, मैं था, शैलेंद्र सर थे, योगेश सर थे, प्रतीक सर थे, तो हम सब लोग प्रेजेंट थे और आपके लिए लेके आ गए एक नया प्लेनेट, एक नई खोज, एक नया सरप्राइज। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ यार कि काफी टाइम हो गया शायद हम लोग जब आपको सरप्राइज दिए हैं, तो बाकी लोगों से मैं इस बारे में राय लेना चाहूंगा। जैसे विशाल सर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सर अक्सर हम लोग बच्चों को सरप्राइज देते रहते हैं, मेरे ख्याल से अब काफी टाइम हो गया कोई सरप्राइज दिए हुए। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी लोग यार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट सेशन जो आपको सरप्राइज मिलेगा वो आपके आने वाली पूरी की पूरी जर्नी को आसान बनाएगा। जैसा अंकित सर ने बोला कि बहुत टाइम हो गया यार आपको सरप्राइज दिए हुए, मेरे ख्याल से जो गेट के पहले और गेट के बाद हमारे करीबन 20-20 डेज थे, तो उसमें हम लोग काफी ज्यादा बिजी थे आपको पढ़ाने में और उसके साथ साथ आपको एक अच्छे लेवल पे कंटेंट देने में। उस दौरान सरप्राइजेस के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम प्लान तो कर चुके थे, बट एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो टाइम आता है हम आपके साथ सारे के सारे इनिशिएटिव्स वन बाय वन शेयर करते हैं। तो होपफुली आप लोग भी रेडी हो और नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले, नेक्स्ट जो आपकी जर्नी होने वाली, उसके लिए आप वापस से पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो और उसमें पूरी की पूरी क्रिएट्रिक्स टीम और पूरी की पूरी अनअकैडमी की टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। और हम लोग आपके लिए एक से एक बेहतरीन इनिशिएटिव्स लेके आने वाले हैं, जिसका कि वन बाय वन अगर आप लोग अनाउंसमेंट सुनते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये कितने सारे इनिशिएटिव्स आपको हेल्प करने वाले हैं। तो शैलेंद्र सर आपका क्या कहना है, मतलब बच्चों को सरप्राइजेस बहुत पसंद है लेकिन शायद हमें उतना टाइम मिल नहीं पाया पिछले कुछ दिनों के अंदर कि बच्चों के लिए कुछ नया और बेहतरीन कर पाए। सर जैसा कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देते ही रहते हैं बच्चों के लिए, और केमिकल के लिए तो जहां पर कहीं कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था तो एक टीम के वे में आके मैंने सारे बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड किया। तो जैसे हम लोग की लास्ट मीटिंग में बात हो रही थी कि सर कुछ ऐसा करते हैं जो मतलब कुछ अलग ही हो और बच्चों के लिए एक बहुत बेनिफिशियल उनके कैरियर के लिए, तो जैसा आपने सजेस्ट किया कि कुछ प्लान करते हैं और आज उसी प्लानिंग की एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो मैं भी और मेरे स्टूडेंट भी सारे बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। सो कुछ नए सब्जेक्ट, कुछ नए वे में, कुछ नए तरीके से आज हम लोग प्रेजेंट करेंगे और उसकी पूरी प्लानिंग है जो सर आप आज अनाउंस करने वाले हैं। प्रतीक सर मैं ये जानना चाहूंगा सिविल वाले बच्चे कितना एक्साइटेड है सरप्राइज को जानने के लिए और क्या गेस कर रहे हैं बच्चे। मेरे को अभी सर सरप्राइज डिस्क्लोज नहीं करना है, मैं सबको बता दूं, मैं ये जानना चाहता हूं बच्चे क्या सोच रहे हैं। सर अभी जस्ट मैं अभी क्लास ही ले रहा था मतलब इसके पहले, तो वैसे तो मैं बहुत दिन से उन लोगों के लिए मतलब हमेशा मेरे से पूछते थे कि सर कुछ ऐसा प्लान करिए, सर कुछ डिफरेंट प्लान करिए, तो ना अभी जब क्लास ले रहा था तो सब स्टूडेंट किसी का भी पढ़ने में मन नहीं था, सब यही मैसेज कर रहे थे कि सर सरप्राइज क्या है, सर सरप्राइज क्या है, और सबके इतने रैंडम गैस है सर मतलब जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके के गैस है कि कुछ मतलब कुछ तो जैसे अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था तो आप बताए कि कुछ तो यही बोल रहे हैं कि सर कुछ नया प्लैनेट फाउंड हो गया है कि सर जो शायद अभी न्यूज में रिवील नहीं हुआ है और शायद आप लोग को पता चल गया है तो कैसे भी करके। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को, सिविल के स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड है जितने भी मुझसे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए तो मतलब ऐसा होने वाला है जो हमारा प्लानिंग है वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कि मेरे को लगता है कि इसके बाद जो जर्नी होगा उनका गेट 22 या 23 या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो बच्चों जैसा सर ने बोला यार कल काफी मैसेज आ रहे थे सर कोई नया प्लैनेट मिल गया है क्या, तो यार मैं आपको बता दूं यहाँ अकेडमी में हम गेट में ना एक टीचर्स की टीम चलाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स की नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता साइंटिस्ट से पहले हम कोई नया प्लैनेट ढूंढ लें। डेफिनेटली न्यू प्लैनेट रेफर्स टू द न्यू इनिशिएटिव दैट इज कमिंग फॉर यू गाइस। योगेश सर मैकेनिकल में कैसा माहौल बना हुआ है बच्चों का, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस आ रही है हमारे पास? हाँ सर मैकेनिकल में जैसे आपने बताया था कि अभी जो बच्चे हैं ना 2022 के लिए 2023 के लिए तो वो काफी एक्साइटेड हैं कि सर क्या करने वाले हो, क्या प्लानिंग करने वाले हो, तो अभी तो हम लोग के लिए भी सरप्राइज था एकदम से जैसे आपने बताया कि आप क्या प्लानिंग करने वाले हो, तो फिर मैंने जस्ट प्लान किया तो एक बेहतरीन टाइप का आप लोगों के लिए प्लान किया है और इनिशियल से बिल्कुल उस प्लान को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेंगे और उससे आपसे भी उससे थोड़ा बहुत आपसे पूछते रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। बच्चे हैप्पी हैं और बच्चे चाहते हैं कि कुछ नया सरप्राइज आए, बट नया सरप्राइज अभी उनको शायद आइडिया नहीं है कि हम लोगों ने उनके लिए क्या प्लान किया है, तो वी आर प्लानिंग बेस्ट फॉर देम।
और बच्चों देखो यहाँ पे मैं ये कहूंगा यार, मजा नहीं आ रहा है, जितने लेवल का जितने मैग्नीट्यूड का सरप्राइज लेके आते हैं उतनी जनता तो दिखनी चाहिए यार, जनता काफी कम दिख रही है। तो ये चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन मैं रेज करता हूँ टीम के आगे कि अभी हमारी टीम शायद इकलौती ऐसी टीम है जो कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट फ्री में देती है, और मैं तो ये कहूंगा कंप्लीट कंटेंट वी गिव इट फॉर फ्री, है ना। और इससे काफी बार काफी सारे पेड यूजर्स भी परेशान होते हैं, ठीक है, बट वी नेवर थिंक अबाउट इट, वी गिव इट फॉर फ्री। तो इस पे आप लोगों का क्या राय है? मतलब मेरे को ये लगता है पर्सनली, कुछ समय बाद मुझे ये लगने लगा है कि फ्री वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट टेकिंग इट सो सीरियसली, मतलब दे डोंट इवन रियलाइज कि कितने लेवल का काम किया जा रहा है उन लोगों के लिए और कितना हम लोग थिंकिंग करते हैं। तो विशाल सर इस पे आपकी क्या राय होगी? सर बिल्कुल एग्जैक्टली ये मेरा भी सोचना था कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले तक जब हम लोग अपना ये नया बैच स्टार्ट किए थे जिसमें शंकर सर ने नेटवर्क स्टार्ट किया था, मैंने मैथ स्टार्ट किया था और आप पावर सिस्टम वापस लॉन्च करके लेके आए थे, तो फर्स्ट सेकेंड क्लास में तो बच्चे बहुत सारे आए, बट उसके बाद बच्चों का जो एक क्वांटिटी था, एक नंबर था, वो ग्रेजुअली वन बाय वन वो डिक्रीज होता गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको पता है कि क्रिएटरिक्स टीम सारा का सारा कंटेंट फ्री में देगी तो वो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। अब इसी बीच में हुआ क्या कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मेरी मैथ्स की कुछ क्लासेस नहीं हो पाई, तो वापस से सारे बच्चों का मैसेज आने लगा कि सर मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करो। मतलब दे वेट फॉर समथिंग कि जब वो चीज़ रुक जाएगी या जब उसका इनफ्लो बंद हो जाएगा फिर हम रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जब भी कोई चीज़ फ्री में मिल रही, क्वालिटी कंटेंट कंटिन्यूसली मिल रहा है, तब तक बच्चे उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ भी बोलना चाहूंगा यार, वो हम लोग पहले सेशन में बोल चुके हैं कि किसी भी टीचर के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, आप एक अच्छी स्ट्रेंथ में क्लासेस अटेंड करोगे ना, तो टीचर दुगने इंटेंसिटी के साथ पढ़ाता है और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं तो उसे लगता है यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, या मैं सही बच्चों को पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं। जैसे प्लस में क्या होता है, दिन ब दिन बच्चों का नंबर बढ़ता जाता है। अगर पहले दिन 100 बच्चे अटेंड करते हैं तो उसके बाद 120 125 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स इंक्रीजिंग, जबकि फ्री क्लासेस में यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो उससे होता है कि टीचर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे माइंडसेट अफेक्ट होता ही होता है। तो आप लोग इस चीज को समझो कि जो भी टीचर कंटेंट दे रहा है, जो भी दे रहा है, आप वो क्लासेस आके अटेंड करो। और जैसा बार बार हम लोग बोलते हैं कि फ्री क्लासेस में अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे ना तभी मोटिवेशन आ पाएगा। अगर आप ये सोचोगे मैं दो क्लासेस छोड़ दूंगा उसके बाद की क्लासेस अटेंड करूंगा तो कभी भी आप उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर ला नहीं पाओगे और ना ही टीचर कभी वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, जो आपने बोला कि पेड यूजर्स हमारे ये फ्री कंटेंट से परेशान रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सर ऐसे बहुत हार्डली 0.1% बच्चे होंगे जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जो बच्चा एक बार अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे आता है ना वो कभी ऐसा कंप्लेन कर ही नहीं सकता कि जो यूट्यूब पे मुझे मिल रहा था मुझे उससे बहुत ज्यादा बेहतर प्लस पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों की क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत 0.1% है। और मेरे ख्याल से वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद अपनी जो भी फेलियर है उसका एक स्केप ढूंढते हैं, एंड वो स्केप कभी कभी प्लेटफॉर्म बनता है, कभी टीचर बनता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के बहुत कम बच्चे होते हैं, बट 99.99% बच्चे जो प्लस पे हमसे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको खुद पता है कि कितना ज्यादा वैल्यू एडिशन मिलता है उनको प्लस के प्लेटफॉर्म में एज कंपेयर टू यूट्यूब। तो सर मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों की परसेंटेज बहुत कम। और बच्चों देखो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, जैसा विशाल सर ने बोला ना बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ यार, देखो फ्री लेक्चर्स के अंदर ना हम लोगों की मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बनती है, क्योंकि क्या होता है ना टीचर के लिए भी ये रीएश्योरेंस बहुत जरूरी है कि जो मैं डील कर रहा हूँ, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो बच्चों को पसंद आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब यार हम लोग इतने महान कोई भगवान नहीं बन गए हैं, हमारा भी टीचिंग का जो जज्बा है, हमारा भी जो टीचिंग का लेवल है वो आप लोगों के रिएक्शन से वो साबित होता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पेड प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंट होता है यार, जब कोई पेमेंट करके आया है तो वहां अगर एक बच्चा भी बैठेगा ना तो वहां एक कमिटमेंट है कि हमको पूरा करना है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, क्योंकि वहां पे वो बच्चा पैसा दे चुका है। लेकिन फ्री में ना यार एक ही फीस लगती है जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लाइक एंड शेयर। जितना ज्यादा अटेंडेंस उतना ज्यादा सक्सेसफुल कोई भी फ्री इनिशिएटिव। तो शैलेंद्र सर मतलब ऐसा क्या आपने केमिकल के अंदर भी देखा है कि जब हम पढ़ाते जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो बच्चा सीरियस लेना बंद कर देता है एज कम्पेयर टू एनी स्टूडेंट हु हैज कम टू द प्लेटफॉर्म? यस सर, एक्चुअल में होता क्या है कि सर फ्री कोर्स के वजह से जब बच्चे कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखते हैं कि ठीक है आज क्लास कर लेते हैं, दो तीन दिन तक तो उनमें बड़ा जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेज आगे मूव करती हैं तो कई बार उनके खुद के बहाने सामने आने लगते हैं कि आज बर्थडे है तो आज नहीं क्लास करते, एक क्लास मिस हुई तो रेगुलरली ब्रेक होती है, और फिर उसके बाद किसी ना किसी रीजन से यदि एक या दो क्लास ब्रेक हुई तो वो फिर एक रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, और वो ब्रेक हो गई तो फिर हम लोग रैंक की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होने से वो रैंक तो हम लोग अचीव नहीं कर पाते।
लेकिन जैसे अब जो हम लोग का प्लस कोर्स होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई क्लास ब्रेक भी हो गई तो हम लोग फोर्सफुली नेक्स्ट क्लास के लिए बोलते हैं कि नहीं आपको ये क्लास करना है, इसका जो डाउट है वो आपको पूछना है। तो उससे सारी चीजें ना एक बेटर फॉर्म में हम लोग मूव करा पाते हैं। तो जैसे अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है सर प्लस क्लास का, मतलब बहुत ही गजब फॉर्म में सारी चीजें चल रही है, बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने में बड़ा मजा आता है, एक लेवल के डाउट्स होते हैं तो वो सारी चीजें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल मैं सर कहूंगा, देखो बच्चों ये चीज बिल्कुल सर ने बोला ना, प्लस क्लास में ना एक एनर्जी मेंटेन रहती है इंटरेक्शन से, और वही एनर्जी यार हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढते हैं यूट्यूब पे, वही कनेक्शन वही एनर्जी आप लोगों के साथ भी ढूंढते हैं। क्योंकि यार मैं आपको बताऊं ना, एक परिवार है ये, यूट्यूब फैमिली है हमारी एक, और फैमिली में वो इंटरेक्शन वो डेडिकेशन कमिटमेंट जब दिखता है तो बड़ा मजा आता है यार पढ़ाने में। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जिस क्लास में अटेंडेंस होती है ना तो दो घंटा ढाई घंटा क्या छोड़ो छह घंटे का मैराथन भी बढ़िया लगता है, लेकिन जब अटेंडेंस गिर जाती है तो मतलब ये लगता है किसको पढ़ा रहे हैं, क्या खाली कमरे को पढ़ा रहे हैं। देखो ये फर्क है लाइव और रिकॉर्डेड का, रिकॉर्डेड में तो पढ़ाना ही कैमरा को है, लेकिन लाइव में डायरेक्टली आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो यार आप लोगों का होना भी तो जरूरी है मेरे भाई। एक इमेजिन करके देखो, आपको एक खाली कमरे में छोड़ दिया जाए और बोला जाए बात करो तो कैसा लगेगा, आपको अजीब लगेगा ना, वैसे हमको भी लगता है। तो प्रतीक सर मतलब इस बात पे आपका क्या राय रहेगा, मतलब कि बच्चे जैसे सर ने बोला एक बहुत अच्छा पॉइंट सर आगे लेके आए कि एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना तो फिर क्या होता है कि बच्चे आगे आते ही नहीं है, मतलब उन्हें लगता है यार ये तो छूट गया अगला क्या पढ़ूंगा, तो ऐसा होता है तो इसको बच्चा कैसे टैकल करे। सर मैं अपनी क्लास में, सर मेरा कोई भी क्लास हो, भले ही हमारा पेड क्लास हो या यूट्यूब क्लास हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक वर्ड बहुत मतलब मैं लिखता ही हूँ डेली बोर्ड पे लिखता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की। और मैं यही स्टूडेंट को हमेशा सिखाना चाहता हूँ सर, टारगेट कुछ भी हो उनका बट अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए तो कभी भी अपने रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। और सर पेड में और यूट्यूब लाइव में भी यही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि वहां पर तो बच्चा बाइंड है कि जब भी आप पेड कोर्स में बात करते हो तो ऑब्वियसली ही है पेड सम मनी, तो उसको लगेगा कि मेरे को अपने मनी का आउटपुट कैसे भी निकालना है। तो ना एक जो यूट्यूब का स्टूडेंट रहता है ना सर, वो हमेशा थोड़ा सा लीनियंट होकर ही चलता है कि यार आज नहीं तो कल देख लूंगा, लेकिन क्या होता है कि उसके पास एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता है कि भाई मेरे को इतना तीन घंटा पढ़ना ही है या चार घंटा पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए करके, तो वो अपने आप को कभी भी करेक्ट फॉर्म में या करेक्ट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं कर पाता है। और जब वो देखेगा एक या दो दिन मिस करने के बाद देखता है तो उसके पास ना अब आप देखेंगे कि आप आठ घंटे का कंटेंट बचा हुआ है, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सर वो आठ घंटे को वापस से कवर कर पाना। तो आई वुड सजेस्ट कि सर जितने भी स्टूडेंट हैं अगर एक दिन मिस भी हो जाता है तो सम हाउ फास्ट फॉरवर्ड करके या कैसे भी करके आपको उसी दिन उस चीज को कवर करना है। अब ये अगर आपने ऑब्वियस है सर, अगर आपने कुछ ड्रीम्स को वो किया है, आपने अचीव करना है, तो अब ना ये आपके लिए थॉट है कि आपको अपना नींद भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कई बार, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके उस चीज को अटेन करना ही है। तो वो कंटिन्यूटी अगर एक बार मेंटेन हो गया देन यू विल कैन लाइक Each and every student can achieve a good rank or they can fight with some paid student अगर कोई भी है तो वो ये चीज को देख सकते हैं results में। और बच्चों देखो मैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल add करूँगा, अभी जैसे कुलदीप सर का हमने इंटरव्यू किया यार, वो इतने पुअर बैकग्राउंड से आके 29वीं रैंक गेट में लेके आए, उस तरह का आपको मोटिवेशन लाना है। मैं तो ये मानता हूँ यार जितने बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ना उनका तो सीरियसनेस लेवल इतना ज्यादा हाई होना चाहिए कि सर आप अगर हमें मतलब ये समझ रहे हो ना, एक अंधेरे कमरे में एक रे ऑफ होप है ये अनअकैडमी, आप ये समझो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा काफी, तिनका छोड़ो या तो नाव लगाए खड़े हैं आप चढ़ने को तैयार नहीं हो। तो योगेश सर ऐसा आप मैकेनिकल में भी फेस करते हो क्या? हाँ सर, मैकेनिकल में ऐसा मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब कॉन्टिन्यूसली कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बोलते हैं कि सर मतलब नहीं है हमारे पास अभी इतना एक्सपेंसेस करने के लिए नहीं, ऑलरेडी हमने मतलब 12th में कोचिंग की थी फिर बीटेक में की थी। मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखो अगर ले सकते हो, अगर आप मतलब इसको बियर कर सकते हो तो आप प्लस पे जाओ, नो डाउट प्लस जो है हमारा बेस्ट, अगर आप जा सकते हो तो वहां पे जाओ, बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको जो डेडिकेशन है ना अपना 300% दिखाना पड़ेगा, 300% इन द सेंस कि 100% तो अपना देना पड़ेगा और 100% जो इंस्टीट्यूट देता है वो देना पड़ेगा, फिर जो 100% बचा है वो इधर उधर की जो चीजें हैं उनसे बच के मतलब प्योर डेडिकेशन चाहिए। ऐसा होता है ना जब सेल्फ करते हैं तो कमिटमेंट तो बच्चे करवा लेते हैं, हम टीचर हैं, टीचर से बोला सर हमें ये पढ़वा दो, सर हमें ये पढ़वा दो, तो टीचर एकदम से कमिटमेंट कर देता है, लेकिन बच्चे फिर उस कमिटमेंट पे साथ में नहीं जाते बच्चे। मतलब आप देखिए जब भी कोई क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में 200 होते हैं, फिर 150 होते हैं, फिर 100 होते हैं, और लास्ट में जब क्लास खत्म होती है तो उसमें 50-60 बच्चों पर ही क्लास खत्म होती है।
तो YouTube का बस एक मतलब जो मैं देखता हूँ कि बच्चे खुद मतलब अपना दो दो तीन दिन में या दस दिन में या पंद्रह दिन में उतना मोटिवेशन दिखा नहीं पाते। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप वाकई में आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो आप उसमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करो। और अगर आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली आपका रैंक आ सकता है। और इसी के लिए हम इस पे प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर आप वाकई में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आपका रैंक हमारे साथ आएगा। बस आप हमारे साथ बने रहो, बिकॉज हमें भी मोटिवेशन वहीं से आएगा कि आप पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ाना चाहते हैं सर। तो बच्चों जैसा सर ने बोला कि मोटिवेशन यहाँ सिर्फ आपकी अटेंडेंस, सिर्फ आपके कमिटमेंट से आता है, और कमिटमेंट एक बहुत बेहतरीन रैंक के लिए जरूरी है। जो बच्चा टॉप रैंक निकाल के लाता है, मैं भी लाया हूँ और मेरी टीम में ज्यादातर टीचर्स रैंक लेकर के आए हैं, तो यार उन्होंने भी अपने समय में ना एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट दिखाया था, तभी ये चीजें मुमकिन हो पाई। अब बात यह आती है कि यार बच्चों को एक ही चीज का बेसब्री से इंतजार है कि सर सरप्राइज क्या है, क्या चीज ऐसी है जो आप बताने वाले हो, क्या ऐसा है जो आने वाला है। तो यार एक बार मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं कि क्या प्लान हम लोगों ने आपके लिए किया हुआ यार। तो जैसा आप देख पा रहे हो, इट इज अ न्यू प्लैनेट फाउंड, दैट इज अ बिग सरप्राइज, अ बिग बिग सरप्राइज फॉर आवर एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी। मैं जानता हूं यार, देखो आप लोग मन से प्यार करते हो हमारे टीचर्स को, आप लोग मन से रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, लेकिन बच्चों वो चीज कंसिस्टेंसी क्लास में भी दिखाया करो। बट एनीवेज आपके लिए न्यू इनिशिएटिव आना रुकेंगे नहीं, आप लोगों के लिए हम काम करना रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये पता है अगर हमारी मेहनत दो चार बच्चों के भी काम आती है और उनका करियर बनता है, तो दैट इज द रियल अर्निंग दैट वी आर गोइंग टू गेट। ओके, यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो भैया एक प्लैनेट आ रहा है, एक गेट का प्लैनेट हमने खोजा है जो कि हैबिटेबल प्लैनेट है सारे गेट और एएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस पे योगेश सर बात करें। सर ये क्या मैकेनिकल वालों के लिए क्या आ रहा है, मतलब आपके हिसाब से एक नया प्लैनेट ही मिल गया ऐसा लिखा है? हाँ, जैसा सर हम लोग बात कर रहे थे कि मैकेनिकल वालों के लिए कुछ हमने एक बेहतरीन टाइप का प्लान किया है। मतलब हम चाहते हैं कि बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग, प्लैनेट का मतलब जैसे आपने जो डिस्कशन किया था, जो बताया था कि हम बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं। अगर बच्चा डेडिकेटेड है तो वो रैंक निकाल के ले जाएगा, और अगर वो डेडिकेटेड नहीं है तो फिर हम उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो प्लान है कि एक बेहतरीन टाइप का हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे, और उस कोर्स में मैं मैकेनिकल वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, मैं उनको शुरू से लेके जाऊंगा और आई स्टार्ट फ्रॉम माई सब्जेक्ट। और जैसे जैसे बच्चे मतलब डिमांड करेंगे या हमें जैसा लगेगा कि आपके लिए जो बेस्ट है, उस बेस्ट के अकॉर्डिंगली हम आपको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट लेते चलेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जितने भी हमारे बच्चे हैं जो मैकेनिकल वाले हैं वो अब कितने डेडिकेटेड है, बिकॉज ये अभी तक किसी भी जितने भी चैनल्स हैं या जहां पे भी आपने पढ़ रखा है, जहां पे भी ऑनलाइन पढ़ रखा है, इतना बेहतरीन प्लान अभी तक किसी ने किया नहीं है जो हम लोगों ने किया है आपके लिए। मतलब इवन हम लोगों ने जो प्लान किया है कि अगर आप वाकई में डेडिकेटेड हैं तो आपको हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो वी विल, जस्ट हम इसके लिए डेडिकेटेड है कि हम आपको नोट्स भी बनवाएंगे। तो सर थोड़ा सा बच्चों को और बताइए, मैं मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज है, और जैसा आपने हमें बताया थोड़ा सा और आगे लेके चलिए बच्चों को। मेरा टारगेट ये है कि मैं मतलब बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जितना जैसे शुरू से देता है वो अभी भी दे रहा हूँ और आगे भी देता रहा। तो जस्ट मैकेनिकल वाले बच्चे जितने भी हैं वो रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। अगर आपके एम है कि मैं 2022-2023 में कुछ रचना चाहता हूँ, कुछ ऐतिहासिक करना चाहता हूँ, तो रेडी हो जाइए आप लोग। तो बच्चों जैसा सर ने बोला कि कुछ बढ़िया करने वाले हैं, आपके लिए डिफरेंट करने वाले हैं, तो इसी बात पे मैं विशाल सर की तरफ चलता हूँ कि सर काफी डिमांड आती है एक डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग की, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए, जिस पे हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि सर इस बार एक अलग तरह से ऑनलाइन में पढ़ा के देखते हैं। तो ये काफी वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली होता क्या कि अगर आप एक 100 बच्चों का सैंपल स्पेस लो या 100 बच्चों को चूज करो, तो हर 100 बच्चा एक ही टीचर को लाइक नहीं कर सकता, एक ही वे ऑफ टीचिंग को लाइक नहीं कर सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें डिक्टेट करके पढ़ाइए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर नहीं, आप क्वेश्चंस पहले से टाइप कर लो और उसके बाद हमें पढ़ाओ। तो होता क्या है कि सारे स्टूडेंट ऑफ कैटेगरी को कैटर कर पाना फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसी में हम लोगों ने प्लान किया कि हम एक वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी को कैटर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको एक सर्टेन वे में पढ़ाया जाए, उस सर्टेन वे में पढ़ाएंगे, वो सर्टेन वे है क्या उसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा सा रिवील करने वाले हैं। बट आप ये मान के चलो कि अब आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में, आप किसी भी तरह का टीचिंग स्टाइल पसंद करते हो, आपकी हर एक तरह की जरूरत को यहाँ पे पूरा किया जाएगा। तो अब आपके पास इस तरीके का एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता कि मैं सर्टेन वे ऑफ टीचिंग
टीचिंग और सर्टेन वे ऑफ टीचर्स पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए उस रिगार्डिंग कंटेंट ही, तो वैसा ही कंटेंट आपको मिलने वाला है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ज्यादा रिसर्च्ड वे में हम लोगों ने इस चीज को देने की कोशिश करी है। तो अंकित सर फाइनली मेरे ख्याल से एक बार आप बच्चों को बताई दो, क्योंकि बच्चे पूछ रहे कमेंट सेक्शन में कि आखिर ये है क्या, तो इतना तो सर देखो, आप लोगों के लिए एकदम एक नया इनिशिएटिव, एक नया चैनल लेके आ रहे हैं, जहां पे कि हम एक डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग ट्राई कर रहे हैं। वो डिफरेंट वे क्या है कि इस बार आपको नोट्स बनवाते चलेंगे। तो जैसा मैंने देखा कि सर मैंने जो वीडियोस क्रिएट्रिक्स के लिए रिकॉर्ड किए थे, मशीन्स के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे और मैंने डिजिटल के रिकॉर्ड किए थे, काफी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स आया, उसमें मैंने नोट्स भी डिक्टेट किए थे। और हमारे साथ योगेश सर, प्रतीक सर, शैलेंद्र सर भी हैं। सर लोगों का भी एक पॉइंट आया था कि सर जब डिक्टेट करते हैं तो कुछ एक बच्चे का सेट ऐसा भी है जिनको ये चाहिए कि उनकी कॉपी में लिखवाया जाए। तो मेरे को लगता है कि हम लोग इस फेज से गुजरे हैं, भले ही ऑफलाइन में ऑनलाइन में, लेकिन सब लोग एक बार एक वे ऑफ टीचिंग को फॉलो जरूर किए हैं जहां पे कि नोट्स बनवाए जाते हैं। तो यार इस चैनल पे हम लोग 5 ब्रांचेस लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, एसी, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल। जैसा आप देख रहे हो 5 ब्रांचेस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास हैं। मैं इलेक्ट्रिकल से विशाल सर, ईसी से प्रतीक सर, सिविल से योगेश सर, मैकेनिकल से एंड शैलेंद्र सर केमिकल से। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक बार एक ट्राई करके देखते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ी सी टीम आपको नहीं नजर आ रही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होगा यार, ये आप लोग डिसाइड करोगे, आप ही लोग फाइनली हमें बता पाओगे कि सर वॉज इट सक्सेसफुल और नॉट, और ये तो हमें भी देखना होगा। तो इसी बात पे आगे चलते हुए मैं शैलेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर थोड़ा सा ये संकल्प बैच के बारे में बताएं बच्चों को। सर ये हम लोगों ने काफी डिस्कशन के बाद इस बैच का नाम रखा संकल्प बैच। इसका रीजन ये था कि जब स्टूडेंट एक प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक एम फिक्स करता है, एक टारगेट होता है कि मुझे इतना रैंक लाना है। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इस बैच का नाम दिया संकल्प बैच। और यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, यहाँ से हम लोग भी संकल्प करेंगे, और जिस तरह से हम लोग कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक मिक्स बैच यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि हम भले ही स्टूडेंट्स को नहीं देख सकते, लेकिन अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन में बच्चों के प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, उसी तरह पूरा नोट्स बनवाते हुए चलेंगे, बेटर फॉर्म में सारी चीजें डिटेक्ट करेंगे, सारी चीजें एक एक नोट्स के मीडियम से सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो एक ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ये सर बैच जो है एक संकल्प बैच, और हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों का संकल्प यही होगा कि एनी हाउ उस गेट 22-23 की जो भी बैटल्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उसके उसमें जीत कर ही वापस आए। तो ये हम लोगों का संकल्प बैच है, और जहां पर बेटर फॉर्म में हम एक एक ब्रांच के एक एक सब्जेक्ट से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसा कि बच्चों का रिस्पांस होगा उसी के साथ साथ हम लोग आगे और मूव करेंगे अनदर सब्जेक्ट्स के साथ। तो बच्चों जैसा सर ने बोला, अभी एक एक्सपेरिमेंटल वे में आपके लिए एक एक सब्जेक्ट एक एक ब्रांच का लेके आ रहे हैं। अब आईएन वाले कह रहे हैं सर आप हमको भूल गए, मतलब ऐसे थोड़ी होता है बेटा, आईएन का मैक्सिमम सिलेबस कॉमन है, आप करिए हमारे साथ तैयारी। और अगर हमें लगता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है जैसा कि मेरी पूरी टीम ने बोला है कि सर आएगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा इस पे जो है ना स्केप्टिकल हूँ कि नहीं होगा, बच्चे नहीं सपोर्ट करेंगे, यूट्यूब वाली जनता नहीं करती है सपोर्ट, और सब लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं कि नहीं यार यूट्यूब वाली जनता करती है सपोर्ट, सर करते हैं बच्चे, सर मानते हैं, तो यार देख लेते हैं, मतलब अगर बच्चे मानते हैं, बच्चे इसको सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल आईएन के लिए भी एक एजुकेटर आपके साथ जोड़ेंगे। लेकिन ये तो आप जानते हो 6-7 सब्जेक्ट तो कम से कम कॉमन बनते हैं, तो घबराओ मत, शुरू करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं जीत का। तो प्रतीक सर थोड़ा सा आप भी इसके नाम के बारे में बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि नाम हमने बहुत ज्यादा, मैं जितना जानता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म किया था मतलब डेली। और आप ये मानो यार कि हम लोगों का जो कॉमन टाइम है ना वो रात के 11 बजे के बाद शुरू होता है, जहां सब लोग फ्री हो जाए, और विशाल सर तो 11 के बाद बिजी होते हैं, क्योंकि मैं सर का शेड्यूल तो जानता हूँ, फिर भी हम लोग कैसे ना कैसे ग्रुप पे चैट कर करके इस नाम के साथ आए। तो सर इस नाम का बच्चे की लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या इस नाम को देख के कुछ चीज इंडिकेट होती है हमारे बैच के बारे में? सर ये नाम तो जैसे हम लोग बताए कि यार मतलब क्योंकि हम सभी लोगों का अपना अपना शेड्यूल रहता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है हम लोगों का कॉमन टाइम हो पाना कभी भी। तो ना हम लोग जब बैच का नाम डिसाइड कर रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि इस बैच का क्या नाम होना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि देखो अब आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी गेट दे सकता है, और फाइनल ईयर तो पहले से ही दे रहा था, तो अब हम चाहते थे कि एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट अपने आप को कभी भी कंपैरेटिवली वीक ना समझे एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट के सामने, या किसी भी ड्रॉपर स्टूडेंट के सामने।
तो इस बार सर जो हमारा संकल्प बैच का जो मोटिव था वो यही था कि हम लोग बहुत ही बेसिक से जीरो से चीजों को स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि ऑफलाइन कभी कभी ऑब्वियसली आप भी मिस करते होंगे कि यार जो ऑफलाइन बैच होता था उसमें हमारे पास रिटन नोट्स होते थे और सारी चीजें होती थी, तो इस बार ना हमारा ये संकल्प बैच नाम रखने का ही मोटिव ये था कि इस बार जो हम डिसाइड करेंगे, इस बार जो हम संकल्प करेंगे कि इस बार अगर गेट 2020 है तो ये मेरा रैंक होगा, और ये ना हम पहले शुरू के 10 दिन में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं ना वो अभी तक कभी भी ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हुआ था, मतलब हुआ नहीं था, और इस बार हम उसको पॉसिबल करके बताएंगे। तो ये हमारा संकल्प है, हम पॉसिबल करके बताएंगे, और आप लोगों का संकल्प होगा कि आप उस चीज के लिए अपना 100% देने वाले होंगे। तो ठीक है, तो इस बार बस 1 मार्च से आप लोग भी रेडी हो जाइए अपने संकल्प के साथ कि आपका रैंक क्या होने वाला है, और हम लोग तो रेडी हो ही गए हैं कि हमारा जो संकल्प होगा आपसे जो कनेक्टिविटी होगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो ब्रेक ही नहीं हो पाएगी। तो कंसिस्टेंसी हो, चाहे रैंक हो, चाहे हमारा अपने लिए जो डिसीजन लिया है हम लोगों ने, वो सब कुछ एक साथ हम इस संकल्प बैच में करने वाले हैं। तो बच्चों जैसा आप लोगों को इंतजार था, आप बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। चलो सर बैच के बारे में बता दिए, चैनल के बारे में, ये तो बताओ पढ़ाओगे क्या, तो आगे चलते हैं यार। तो सबसे पहले विशाल सर का नाम आ रहा है, सर बात करेंगे सिग्नल्स के बारे में आपसे कि किस तरह से डील करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा। तो देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो हमारा मेन एग्जिस्टिंग चैनल है क्रिएट्रिक्स, वहां पे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट चल ही रहे, तो दूसरे सब्जेक्ट पे दूसरे टीचर के द्वारा सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे मोटिव ये है कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, या अंकित सर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, या हमारी टीम में पंकज सर है, शंकर सर है, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, को सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक स्टूडेंट को हो सकता है हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आए, हर एक स्टूडेंट को हो सकता है कि किसी दूसरे टीचर की टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आए। तो होगा क्या कि अगर मैं सिग्नल सिस्टम इस वाले चैनल पे पढ़ाता हूँ तो आपको मेन चैनल पे तो ऑलरेडी फैकल्टी वहां पे पढ़ाई रही है, आप उनसे पढ़िए। जो एक मेजर कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स है जो चाहती कि मुझसे भी सिग्नल सिस्टम पढ़ सके, तो वो भी हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि हमारा मेन पर्पज इस चैनल के थ्रू ये है कि इंडिया के कोने में जो भी हर एक बच्चा बैठा हुआ है, हर एक कैटेगरी का, हर तरह का बच्चा हमसे आके जुड़ेगा, और वो उसकी नीड को हम लोग हर तरह से कैटर करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया सिग्नल सिस्टम समझ पाता है, मुझसे कनेक्ट हो पाता है, तो उसके पास भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे सिग्नल सिस्टम पढ़ ना पाए। या मान लो अंकित सर नेटवर्क पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंकित सर से नेटवर्क पढ़ नहीं पाओ या उनकी नॉलेज का लाभ नहीं उठा पाओ जस्ट बिकॉज कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल पे प्रेजेंट है। तो हम इस मामले में बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं, बहुत ब्रॉड माइंडेड हमारी टीम है, हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमने अल्टीमेटली ये सोचा है कि नॉलेज का एक्सेस हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट कहीं का भी हो। नॉलेज कभी भी फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, नॉलेज के लिए कभी भी किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी टीचर के पास नॉलेज और स्टूडेंट चाहता है, तो ये टीचर की भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस नॉलेज को स्टूडेंट तक पहुंचाए। तो हमारा अल्टीमेट पर्पज यही है कि आप मेन चैनल के साथ साथ इस चैनल को भी पूरी तरीके से फॉलो करिए, अपने फेवरेट एजुकेटर्स को फॉलो करिए, और उनके पास जो नॉलेज उन्होंने गेन की मेहनत करके, उन्होंने जो नॉलेज गेन की इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा के, उसका भी आप फायदा उठाइए, और अल्टीमेट आप अपने रैंक लेके आइए। तो जब आप रैंक लेके आते हो तो वही हमारे लिए फाइनल गिफ्ट होता है, वही हमारे लिए फाइनल आपकी गुरु दक्षिणा होती है। तो अंकित सर, जैसा कि एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आ रहा था जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर क्रिएट्रिक्स चैनल है तो वाई दिस चैनल। तो बच्चों देखो, विशाल सर ने काफी हद तक खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया, फिर भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा यार। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू से कि यार अगर मैं नेटवर्क ले भी रहा हूँ, शंकर सर इज द एब्सोल्यूट बेस्ट फैकल्टी दैट वी हैव फॉर नेटवर्क एनालिसिस। तो सर फिर आप क्यों ले रहे हो जब अगर शंकर सर बेस्ट फैकल्टी है। बेटा यहाँ सिर्फ बात इतनी सी है कि बहुत चीजें सीखने के टाइम पे डिपेंड करती है एजुकेटर के कनेक्शन पे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे, सर आप लीजिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि शंकर सर बेस्ट लगते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात है आपको ऑप्शंस देने की। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है आप मुझसे पढ़िए, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा जितने बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं शंकर सर के साथ वो कंटिन्यू करना है। बार बार जीरो से स्टार्ट करना इज नॉट अ गुड वे टू प्रिपेयर, टू बी ऑनेस्ट, है ना। बार बार जीरो से स्टार्ट करना गलत है। तो अगर आप चालू कर चुके हो तो कंटिन्यूड रखो, और अगर आपको एक डिफरेंट वे में पढ़ना है, आपको शंकर सर का स्टाइल अच्छा लगता है लेकिन और कुछ अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरा भी अच्छा नहीं लगता तो आप अदर चैनल पे जाओगे, एक हमारे पास लेट्स क्रैक इलेक्ट्रिकल ईसी है, वहां पे जो नेटवर्क ले रहे हैं आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो बात ये है इतनी सी कि यार एक टीचर कभी भी पूरे भारत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, तो इसीलिए हम आपके आगे मल्टीपल ऑप्शन रखना चाहते हैं ताकि आप जिसको पसंद करते हैं, जो आपको सही लगता है, आप उसको ज्वाइन करें, उसके साथ कनेक्ट करें। और बेटा लगातार आपके साथ चैट में लिंक शेयर किया जा रहा है, पिन कर दिया गया है लिंक। इस चैनल के सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब करते चलेंगे।
अब मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा प्रतीक सर के पास कि सर सर्वेइंग में इस बार बच्चों क्या हटके मिलने वाला है एज कम्पेयर टू जो आपने पहले दिया है। सर अभी तक क्या होता था कि जब भी हम लोग चैनल पे मतलब जैसे पहले तो मैं गेट 21 के लिए पढ़ाया था सर्वेइंग, तो सर्विंग में जब हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते थे तो बहुत टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैंने कोई भी कंटेंट दिया तो वो रिटेन नहीं कर पाता है ज्यादा देर तक। कोई भी स्टूडेंट एक वीडियो को बहुत बार रिवाइज करने के लिए इतना ट्राई नहीं करता है, तो क्या होता है कि उसके लिए या पूरा वीडियो देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब मैं पूरा कंटेंट अगर दे दूंगा तो वो ना ऑलमोस्ट देखेंगे अगर तो 70 आवर्स का कंटेंट हो गया, वो 70 आवर्स के कंटेंट को वापस से 70 आवर्स के वीडियो को नहीं देखने वाला है, तो फिर वो कैसे रिवाइज करेगा सर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता था हर स्टूडेंट के पास। तो इस बार ना जैसे कि हम लोगों ने बोला कि रिटन नोट्स कुछ ऐसा कुछ कनेक्टिविटी करेंगे कि आपके पास रिटन सारा नोट्स रहेगा, तो मैंने यही सोचा है कि सर जो भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कराने वाला हूं मैं इस बार, और जो भी न्यू टॉपिक्स जैसे रहते थे उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा कनेक्ट करने वाला हूं, जो भी अभी न्यू एड हुए थे गेट 21 के लिए, तो वो सारे टॉपिक्स जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है या कोई भी नया फॉर्मेशन क्वेश्चंस के जो नए वे ऑफ फॉर्मेशन रहता है कि आपको ना मैं ब्रेन अनलॉकिंग सिखाऊंगा एग्जैक्टली कि ना अगर आप जा रहे हैं किसी भी एक नए क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए तो आप एग्जैक्टली कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस बार मेरा टारगेट वो कन्वेंशनल टीचिंग ना होके थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होगा उसका कि आप एक क्वेश्चन को देख के कैसे सोच सकते हैं कि आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। और मेरे बच्चों जो तुम्हारा सवाल आ रहा है कभी कभी सच में लगता है बच्चों से डील कर रहे हैं कि गधों से, अरे ये यूट्यूब का इनिशिएटिव है मेरे भाई, यूट्यूब पे ही तो ला रहे हैं नया चैनल, अब तुम कह रहे हो इसको यूट्यूब पे ले आओ, अब भाई एक नया यूट्यूब खोल के थोड़ी ना यूट्यूब पे लाएंगे, यूट्यूब पे ही आ रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ शैलेंद्र सर के पास कि सर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल रिएक्शन तक तो मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री में, अब आगे का आप बताओ कि क्या होने वाला है, क्या डिफरेंट होने वाला है। हाँ सर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गेट एग्जाम में केमिकल वालों के लिए सर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, और ये दूसरा अगर मैं बात करूँ केमिकल के स्टूडेंट बेटर समझ सकते हैं कि हम लोग दो तरह के प्रोसेस पढ़ते हैं, या तो यूनिट ऑपरेशन या यूनिट प्रोसेस। तो यूनिट प्रोसेस का एक सिंगल सब्जेक्ट होता है केमिकल इंजीनियरिंग में जो कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, बाकी आप यूनिट ऑपरेशन के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं लाइक मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, या फिर मैं और किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं चाहे थर्मो हो, एफएम हो या एमओ हो, लेकिन एक सीआरई एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसकी एक बार फीलिंग आ जाती है तो केमिकल इंजीनियरिंग इतनी आसान हो जाती है कि आप बहुत इजी वे में चाहे गेट हो या कोई भी एग्जाम हो आप उसे क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा पहला रीजन सीआरई से स्टार्ट करने का यही था कि मैं मैक्सिमम टाइम जब भी कोई भी बैच हुआ है ना, इतना 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया मुझे इस गेट फील्ड में, तो कभी भी जब भी मैं बैच स्टार्ट किया हूँ तो पहला बैच मेरा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से ही स्टार्ट हुआ, चाहे वो प्लस का हो या यूट्यूब का हो। तो बेटा इसके लिए परेशान मत हो, ये यूट्यूब का ही बैच है, बहुत बच्चे कॉन्टिन्यू मैसेज कर रहे हैं। और सीआरई के लिए मैं बता दूं कैसे डील करने वाला हूं, बच्चे पूछ रहे हैं सर डिटेल में करेंगे, हाँ बेटा डिटेल में करेंगे। और मैं एक और चीज बता दूं, मैं वीक में 4 डेज आपको यहाँ यूट्यूब में पढ़ाऊंगा और 2 डेज आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उस लर्निंग ऐप में प्रॉपर प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की। जैसा कि मैं हर बार ये फील करता हूँ कि स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है उनके ऊपर क्वेश्चन को टाइमली करने का, एरर्स ना हो, एक ये प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर और कई स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पाते और वहां से उनकी रैंक एकदम ब्रेक हो जाती है या जो ड्रीम होता है वो एकदम ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ से सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जैसे जैसे सब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे वीक में 2 डेज हम लोग इनको प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉक टेस्ट टाइप में या फिर क्वेश्चन के टाइप में कुछ पोल के टाइप में इनको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे बेटर वे में यूट्यूब के स्टूडेंट्स को हम एक बेटर प्लेटफॉर्म के साथ आगे मूव करा सकें और गेट 22 में बेहतरीन रैंक वो अचीव कर सकें। और बच्चों देखो यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ इन सब में एक डिस्क्लेमर, ये सब सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, ठीक है? मार्केट रिस्क क्या है यहाँ पे, आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब होगा। अभी शैलेंद्र सर वादे बहुत सारे कर रहे हैं यार, लेकिन देखो टीचर को डीमोटिवेट होने में टाइम नहीं लगता, आप लोगों की सपोर्ट के डीमोटिवेशन बहुत भयंकर वाला आता है। अब आप लोग सोचो सर आएंगे भी नहीं और मिल भी सब कुछ जाएगा, वैसा नहीं होगा, आपको टाइम पे क्लास आना पड़ेगा, आप लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, आप लोग अपना दम दिखाओ और फिर देखो कि हम लोग कितना ज्यादा आप लोगों के लिए कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद योगेश सर के पास चलते हैं, सर का सबसे लेटेस्ट टाइम है रात को 9 बजे, डिनर विनर करके आना पड़ेगा फ्लूइड से पहले। तो सर इस बार फ्लूइड में किस तरह से फ्लूइडिटी से आप पढ़ाने वाले हो ऐसा अलग से?
सर इसका टाइमिंग एक्चुअल में 9 PM रखने का बस रीजन यही था। पहले तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते थे सर दिन में मेरा कॉलेज होता है, शाम को हम लोग कॉलेज से आते हैं, तो मैंने इसीलिए जस्ट टाइमिंग ही 9 PM रखा है कि अभी तो कोई बहाना नहीं है ना, अभी तो नहीं बोल पाओगे कि हमारा कॉलेज है या ये है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा FM का जस्ट अगर मैं बात करूं, चाहे सिविल वाला बच्चा हो, चाहे केमिकल वाला बच्चा हो या मैकेनिकल वाला बच्चा हो, तीनों की फीलिंग रहती है FM के साथ, और वो जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे FM से ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि मतलब मेरा जो FM रहता है वो थोड़ा डिटेल में रहता है, तो केमिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है, तो वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट सिविल मैकेनिकल तो अपना है, अपना जो भी करें, जिनके लिए भी है सिविल वाला हो या मैकेनिकल वाला हो, इनका सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग ही FM है। और मेरे लिए तो FM मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे लिए तो पूरी फीलिंग ही FM से है कि मैं अगर मतलब कहीं पे भी बैच भी स्टार्ट करता हूं तो FM से स्टार्ट करता हूं। तो अभी तो बस आपका साथ चाहिए होगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैकेनिकल वाले हैं, जो भी सिविल वाले हैं, जो भी केमिकल वाले हैं, अपनी प्लानिंग करिए और पूरा का पूरा एक प्लान अपना बनाइए कि मैं 6 मंथ 8 मंथ या 10 मंथ का जो भी है उसको प्रॉपर लेके चलूंगा और साथ नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आज हम पढ़ के चले गए, कल का मैंने लेक्चर लिया, फिर आप आए परसों की, नहीं नहीं सर अभी मैंने कल वाला छूट गया था ना फिर आऊंगा, तो वो जैसे आपने बोला कि डीमोटिवेशन बहुत जरूर बहुत बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर मैं अभी नहीं आऊंगा या मैं कल करूंगा परसों करूंगा, तो इसमें आपको भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज लाइफ में अगर आपकी रेगुलरिटी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। तो रेगुलरिटी तो आपको बनानी पड़ेगी, सबसे पहले यही सोचना है कि मुझे रेगुलरिटी बनानी है, और उसी रेगुलरिटी के लिए आपकी टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, तो आप लोग जस्ट कोशिश करिए कि आप लोग बेस्ट करें और हम लोग अपने साइड से बेस्ट कर रहे हैं। आपका अगर 1 मंथ में रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा तो हम उससे अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे जितने भी लोग हैं। तो बच्चों जैसा सर ने बोला कि आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी, ठीक है, इस बार एक डिफरेंट वे ट्राई कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि कैसा रहेगा। और ये सभी क्लासेस 1st of March से स्टार्ट होंगी, है ना, और ये क्लासेस का टाइमिंग आपको मिल गया, अगर नहीं मिला है तो वीडियो पीछे करके एक बार देख लेना। तो 1st March को मिलने वाले हैं, विशाल सर स्टार्ट करेंगे 5 बजे से, फिर प्रतीक सर आ रहे हैं 6 बजे, मैं आ रहा हूँ 7 बजे, शैलेंद्र सर आ रहे हैं 7 बजे, और त्यागी सर आ रहे हैं आपके लिए रात को 9 बजे, ठीक है। तो सारी ब्रांचेस के बच्चों को कैटर करेंगे, इसीलिए हल्ला मचा देना है, ठीक है। हम सभी लोगों की अपील है, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, अपने साथ बाकी ब्रांचेस के बच्चों को भी इन्फॉर्म करो कि एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है, जहां सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन थ्योरी सब चीजें होने वाली है। तो फैला देना है ज्यादा से ज्यादा, पूरे पूरे कॉलेज का क्राउड उठ के आ जाना चाहिए, खास करके ये बैचेस जो है ना सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि बिगिनिंग से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करके चलेंगे आप, ठीक है, एकदम फाउंडेशन स्ट्रांग करके चलेंगे। तो आज कल परसों आपके पास 2 दिन और हैं, तो एक पेन पेपर कॉपी अपना खरीद लेना, बढ़िया से मल्टी कलर पेन खरीद लेना, नोट्स बनवाए जाएंगे, ठीक है, और आपको बेहतरीन वे में चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, क्लियर है। तो सारे सेशंस को लाइव अटेंड करना है, 1-1 घंटे की क्लास चलेगी, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा चला जाएगा, बट हमारी कंसिस्टेंसी हमारे एफर्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आप लोग कैसा परफॉर्म करते हो, आप लोग किस तरीके से काम करके लाते हो। जितनी चीजें घर से करके लाने के लिए बोली जाए वो भी करके लाना यार, एकदम स्टूडियस होके चलना, जैसे बचपन में ट्यूशन अटेंड करते थे ना, तो बहुत चीजें सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो एनी लास्ट वर्ड्स योगेश सर? लास्ट वर्ड बस अपना सर, सब लोग अपना अपना एकदम से सीट बेल्ट लगा लीजिए और सारे के सारे रेडी रहिए, चाहे सिविल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, केमिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो सब लोगों को एक तरफ से इन्फॉर्म करिए, और जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा आई गारंटी कि उससे अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। तो चलिए फिर 2022 के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, और 2022 के लिए हम लोग 1 मार्च से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और वीक में जैसे सरन सर ने बताया 5 दिन क्लास रहा करेगी, तो आप लोग कॉन्टिन्यूसली जस्ट कॉन्टिन्यूस आप मेहनत करिएगा, मैं भी कॉन्टिन्यूस मेहनत करूंगा, मैं आपको जस्ट बताता रहूंगा कैसे कैसे करना, जो बोलूंगा वो करना है, अगर आप जो बोलूंगा वो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर आप बाद में यही बोलोगे इनसे पढ़े थे उनसे पढ़े थे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर डेफिनेटली वैसा करोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो चलो फिर इस जर्नी के लिए आपको अभी से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से। एनी लास्ट वर्ड्स विशाल सर? तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा यार कि सुबह तक 20,000 सब्सक्राइबर्स इसमें हो जाने चाहिए, सुबह तक मतलब 12 बजे के बाद तक, ठीक है। तो इसको आप मेरा ऑर्डर समझो, मेरी रिक्वेस्ट समझो, जो भी समझो, तो मिनिमम ये और इसी रेट से आप सब्सक्राइबर्स को इस पर बढ़ाते रहो, तो चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग आके जुड़े, आपके जो कॉलेज के ग्रुप हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके जूनियर सीनियर्स,
हर एक जगह पे आप इसको अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के शेयर कर दो, ताकि सभी को पता चल जाए कि ऐसा कोई एक इनोवेटिव और रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव आने वाला है। तो होपफुली देखते हैं सर कि बच्चों के लाइव अटेंड करने के साथ साथ सब्सक्राइबर काउंट भी किस रेट में बढ़ता है, वो भी हमारे लिए बहुत एक अच्छे सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करेगा। बिल्कुल प्रतीक सर। सर मैं तो पहले बोलूंगा कि सिविल के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि दो सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं उनके, जैसे मैं सर्वेइंग पढ़ा रहा हूँ और त्यागी सर अभी एफएम पढ़ाने वाले, तो उनके लिए तो एकदम जैकपॉट हो गया सिविल के स्टूडेंट्स के लिए। तो और तो मैं दूसरा ये बोलूंगा कि मतलब ये जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं ना, ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। मतलब आपका मेरा कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है, और आप लोगों ने ही मुझे बोला था कि सर सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं, तो सर्विंग का वेटेज भी आप जानते हैं, और सर्विंग हम लोग जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं दूसरे चैनल पे, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होगा दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में। तो आई वुड सजेस्ट कि यार पहले तो सब्सक्राइब कर दो आप लोग अपने जितने भी कॉलेजेस, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में है वायरल कर दो इसको, और जब आप देखोगे ना जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो इतना बेस्ट होने वाला है कि आप ना गेट 2022 ये मान लो कि आप अपना रैंक अभी से लिख सकते हो कि ये मेरा टारगेट है, और उस चीज के लिए बस रेडी हो जाओ। और फाइनली यही बोलूंगा कि बिल्कुल अब मतलब आपको ये फील आना चाहिए कि यार आप ना एक एक पेड स्टूडेंट हो, और ये फीलिंग मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। और आप कभी भी इस चीज के लिए वरी मत करिए कि आपको कितना कंटेंट मिलेगा, आपको 100% सारी चीजें मिलने वाली है। तो बस रेडी हो जाइए और मिलते हैं आपको 1 तारीख से शाम में 7 बजे, और फिर स्टार्ट करते हैं साथ में। शैलेंद्र सर, एनी स्पेशल मैसेज फॉर केमिकल स्टूडेंट? जी सर, जैसा कि सर आप बोल रहे थे कि बच्चों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, तो सर केमिकल के बच्चों पे मुझे इतना ज्यादा बिलीव है कि मैं जब भी किसी भी चीज का अनाउंस किया हूँ तो बच्चे हमेशा मेरे साथ खड़े हुए, तो मुझे यहाँ से 100% बिलीव है कि बच्चे तो सर मेरी टीम को फुल सपोर्ट करने वाले हैं, और गजब फॉर्म में एक मतलब नई चीज क्रिएट कर देंगे हम लोग सर यहाँ पर। और केमिकल के लिए जो भी चीज मैं प्रोवाइड किया हूँ तो वो हमेशा प्रॉफिटेबल हुआ है, ये बात सर गेट 21 में प्रूफ हो गई, क्योंकि जितना भी मैं लास्ट 1 ईयर से बच्चों को प्रोवाइड कर रहा था 84 मार्क्स का गेट केमिकल इंजीनियरिंग में इस बार पोस्ट किया था, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज में या जो भी पोल कराए या कहीं भी हम लोगों ने कैसे भी प्रोवाइड किया, तो बच्चों को फुल फेथ है मेरी टीम के ऊपर। तो सर केमिकल के बच्चे तो फुल फॉलो करने वाले हैं। सेकंड ये कि सीआरई का जो सब्जेक्ट है ये 1 मार्च से नहीं बेटा 3 मार्च से स्टार्ट होगा। 3 मार्च टाइमिंग 7 PM वही रहेगी, है ना, तो 3 मार्च से आप लोग फॉलो करेंगे। और जितने भी आपके जूनियर्स हैं, अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 4 मंथ में आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन की और आप लोगों को फील आ गया होगा कि बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए आपको 4 मंथ नहीं 1 ईयर की नीड है, तो ये अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सारे जूनियर्स को, जितने भी सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, हर बच्चे के मोबाइल में या हर ग्रुप में मैसेज होना चाहिए कि 3rd से सीआरई स्टार्ट हो रहा है। बाकी करना नहीं करना उनका वर्क है, बट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेटर फॉर्म में मतलब एक ब्लास्ट करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में और एक एचटी क्रिएट करेंगे। और बाकी मुझे ये कहने की तो जरूरत है नहीं यार, इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए मैं और विशाल सर दोनों साथ आ रहे हैं, नेटवर्क सिग्नल लेके आ रहे हैं, कम से कम ये मान के चलो 18 से 20 नंबर की वेटेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक साथ 2 घंटे क्लास करोगे 18 से 20 नंबर की तैयारी आप 2 महीने मैक्सिमम मान सकते हो उसके अंदर हो जाएगी, लेकिन देन अगेन यार आपको सपोर्ट बहुत बढ़िया तरीके से करना है, इस इनिशिएटिव को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, एक ये समझ के चलो कि एक डिफरेंट ट्राई है और हमारा कॉन्फिडेंस आपके सपोर्ट के साथ ही बनेगा। तो लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, और जैसा विशाल सर ने टारगेट दिया है 20,000 सब्सक्राइबर पहुंचा देना रात 12 बजे तक, हल्ला मचा दो चारों तरफ, शेयर कर करके ना आग लगा देनी है एकदम, मजा आ जाना चाहिए देख के। हम लोग रात तक पूरा मॉनिटर करने वाले हैं चैनल को कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं यानी, तो आपको अपना दम दिखाना है, सभी ब्रांचेस के बच्चों से शेयर करना है, और अपने पूरे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट से, कॉलेज के ग्रुप्स पे आप लोग शेयर करके हल्ला मचा देंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू एंड लेट्स क्रैक।